हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक वो है लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये क्लास 10 सिलेबस से है और यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरह लीनियर इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम किस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहला सवाल है कि 2 < 3 × x − 2 + 5 < 8। पहला सवाल का जो हम सॉल्व करते हैं, करने का क्या तरीका है कि हम सवाल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा 2 < 3 × x − 2 + 5, इसे सॉल्व करेंगे, और सेकंड पार्ट होगा 3 × x − 2 + 5 < 8। इस तरह से अगर करते हैं तो प्रोसेस काफ़ी इजी पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 < 3 × x − 6 + 5, 2 < 3 × x − 1, माइनस वन को इस तरफ ले लें तो 2 + 1 < 3 × 3, 3 < 3 × 3, 3 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो आ गया x > 1। सेकेंड पार्ट को जब सॉल्व करते हैं, 3 × −6 + 5 < 8, यानी 3 × −6 + 5 हो गया −1 < 8। माइनस वन को उस तरफ हम अगर भेजते हैं तो हो गया 8 + 1। जिस तरह इक्वल्स टू के हम उस तरह भेजते हैं तो साइन चेंज होता है, ठीक उसी तरह हम यहाँ पर जो भी साइन है उसे इक्वल्स टू एज्यूम करके करेंगे। 3 × 9, तो x हो गया < 9/3, यानी x हो गया < 3। तो हम यहाँ क्या पा रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो > 1 है और < 3 है, यानी x का जो वैल्यू है वो 1 भी हो सकता है, 1 के ग्रेटर भी हो सकता है और < 3। अब यहाँ क्या बताया था कि ये जो x है ये होल नंबर होगा। होल नंबर क्या है, जो भी नंबर 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे होल नंबर है। नेचुरल नंबर तो पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक, और होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि x > 1 क्या हो सकता है। x > 1 का मतलब क्या है, 1 को भी लेंगे, जब भी > या < होगा तो उस नंबर को हमें लेना पड़ेगा। तो x > 1 है तो हम 1 को कंसिडर करेंगे, कॉमा क्या है, x < 3, 3 से कम होना चाहिए, तो 3 से कम 2 भी है, 2 को भी ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, 1 और 2। तो अगर हमें इसे नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, 1 में हम ऐसे एक डॉट बना देंगे ऐसे गोल, और 2 में इस तरह से गोल बना देंगे, और इस तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया होना नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम इसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, −2 < 1/2 − 2x/3 को पहले लिखेंगे और सेकंड पार्ट में 1/2 − 2x/3 < 5/6 लिखेंगे। अब इस हाफ को अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो −2 − 1/2 = −2x/3, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया −5/2 < −2x/3। अगर हम माइनस को दोनों तरफ से हटाते हैं तब क्या होगा, ये जो साइन है ये भी चेंज हो जाएगा, > = हो जाएगा। कारण क्या है, जैसे हमें पता है कि −2 > −3, और अगर हम दोनों तरफ से साइन को हटा देते हैं यानी कैंसिल आउट कर देते हैं तो क्या हो जा रहा है, 3 बड़ा हो जा रहा है, यानी साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी जब हम दोनों माइनस को कैंसिल आउट करते हैं तो ये जो साइन है > 2 ये बदल जाएगा और > 2 बन जाएगा। अब सिंपली अगर हम क्रॉस कर दें, 5 × 3 / 2 × 2, यानी x > 15/4। सेकेंड पार्ट को जब सॉल्व करते हैं तो −2x/3 < 1/5/6 हो गया, 6 × 1 = 6, 6 + 5 = 11, 11/6, यानी मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में बदला है। अब यहाँ जो था प्लस हाफ, इसको उस तरह भेज देंगे तो बन गया −2x/3 यानी −2x/3 = 6 और 2 का एलसीएम हो गया 6, अगर सॉल्व करते हैं तो हो गया 11 - 3, यानी −2x/3 = 11 - 3 = 8, 8/6, यानी x हो गया < 8/6 × 3/2। कैंसिल आउट कर दें, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, 4, यहाँ नेगेटिव साइन है, यानी −x < हो गया 4/2 यानी 2।
अगर हम दोनों तरफ नेगेटिव साइन को प्रोडक्ट करते हैं तो x हो जाएगा पॉजिटिव और 2 हो गया नेगेटिव, यानी जब हम दोनों तरफ नेगेटिव साइन को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो साइन है ये भी बदल जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू था ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब क्या देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू और क्या लेस देन इक्वल्स टू 15/4। 15/4 का मतलब क्या है 3.75, यानी x लेस देन इक्वल्स टू 3.75। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या बताया था, x जो है वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, मतलब x का जो वैल्यू आएगा ना वो नेचुरल नंबर ही होगा, और नेचुरल नंबर हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, इसके बीच में ही हमें वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, माइनस टू से बड़ा कौन है, -1, लेकिन -1 को नहीं लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। -1 से बड़ा कौन है, 0, 0 को भी नहीं लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद आता है 1, तो हम 1 को लेंगे। 1 के बाद आता है 2, 2 को लेंगे। क्या बताया, लेस देन इक्वल टू 3.75, मतलब 3.75 होगा या 3.75 से कम होगा, लेकिन 3.75 नहीं ले सकते क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ 3 को लेंगे। अगर हम इसे अब रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो सिर्फ जो 1 है यहाँ पर हम इस तरह से सर्कल कर देंगे, 2 में कर देंगे और 3 में कर देंगे, और इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 में है, -3 लेस देन इक्वल्स टू 3-2x लेस देन 9। इसे भी हम टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। पहला पार्ट में लेंगे -3 लेस देन इक्वल्स टू 3-2x और सेकेंड पार्ट में लेंगे 3-2x लेस देन 9। अगर फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो +3 को अगर लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो हो जाएगा -3 लेस देन इक्वल्स टू -2x, यानी -6 लेस देन इक्वल्स टू -2x। अगर हम 2 को कैंसिल आउट करते हैं, 2 × 1, 2 × 3, यानी -3 लेस देन इक्वल्स टू -x। और अगर हम दोनों तरफ से माइनस साइन को हम रिमूव करते हैं यानी कैंसिल आउट करते हैं, तो इधर 3 हो जाएगा और इधर x हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल्स टू था ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी -3 लेस देन इक्वल्स टू -x क्या हो गया, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। सेकेंड पार्ट को अगर सॉल्व करें तो +3 को हम राइट साइड में भेजते हैं, यानी -2x लेस देन 9 -3, यानी -2x लेस देन 6। 2 से कैंसिल कर दे, 2 × 1, 2 × 3, यानी -x लेस देन 3। अगर हम माइनस दोनों तरफ प्रोडक्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड में हो जा रहा है x हो गया पॉजिटिव और 3 हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन अगर माइनस हम दोनों तरफ प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, जो साइन है ये बदल जाएगा, ये लेस देन था ये हो जाएगा ग्रेटर देन। यानी अल्टीमेटली क्या मिला है कि x का जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन -3 और x का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 3। यहाँ क्या बताया है कि ये रियल नंबर होगा। वेल, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी 1, 2, 3, 4 सारे होल नंबर्स होंगे, यानी 0 से 0, 1, 2, 3, 4 सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं, जैसे 1/2, 2/3, रिकरिंग डेसिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे 0.2 बार, 0.3 बार, और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, जैसे √2, √3। यानी सिंपल वे में अगर हम बोलना चाहें कि अगर 1 और 2 के बीच में जो रियल नंबर है क्या है, इनफाइनाइट है, हम बहुत सारा हो सकता है, जैसे 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, तो इस तरह से इनफाइनाइट हो सकता है, 1.110, 1.111, 1.111, इसका कोई एंड नहीं है, मतलब इन्फाइनाइट, किसी भी दो नंबर के बीच में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि बताया ये रियल नंबर है तो x ग्रेटर देन -3 जब बता रहा है तो -3 यहाँ है, तो बोले इस -3 से क्या ग्रेटर देन बोला, तो हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ऊपर हम सिंपल एक ऐसा प्लेन सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब -3 को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। -3 से बड़ा कौन कौन हो सकता है, यहाँ -2.99, -2.98, ऐसे -2.97 करते हुए -2, -1 इस तरह से जा रहा है, और लेस देन इक्वल्स टू 3, 3 यहाँ है, यहाँ क्या है लेस देन इक्वल्स टू, यानी 3 को भी लेना है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ एक सर्कल तो बनाएंगे और इसे इस तरह से हम सेट कर देंगे। ये सेट किया हुआ है मतलब बता रहा है कि 3 को हम इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पर लेस देन है -3, इसलिए हम क्या के सर्कल से बनाए हैं उसे सेट नहीं किए, सेट नहीं करने का मतलब है -3 से कम, और सिंपली क्या करेंगे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया, -3 से लेकर के ये 3 तक, इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं सब इंक्लूडेड है। हाँ, -3 को नहीं लेंगे यहाँ पर,
लेकिन यहाँ पर प्लस थ्री को लेंगे, यानी माइनस थ्री, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे वन और टू के बीच में बहुत सारा नंबर हो सकता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब भी रियल नंबर बोले तो हम लोग इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में है, 2 + 4x < 2x - 5 < equals to 3x। तो यहाँ भी हम इसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 2 + 4x < 2x - 5 को पहले लिखें और सेकेंड पार्ट में 2x - 5 < 3x लिखें। सिंपली सबसे पहला काम क्या होगा, जो x है, जो एल्जेब्रिक पार्ट है, उसे हम एक तरफ कर लेते हैं, यानी 2x को इस तरफ ले आते हैं और यहाँ जो प्लस टू है उसे उस तरफ भेज देते हैं। यानी आ गया 2x < -7 और x < -7/2। यहाँ भी वही करना है, 2x को हम उस तरफ भेज देते हैं, यानी -5 < 3x - 2x। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, x > -5 और -7/2। यानी हम बोल सकते हैं कि x > -5 and < -3.5। अब क्योंकि यहाँ बताया कि ये इंटीजर है, x का एलिमेंट क्या इंटीजर है, तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स का मतलब क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो सारे इंटीजर्स है। और लेफ्ट साइड में भी अगर हम आ रहे हैं तो क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, इन्फिनिटी तक सारे के सारे क्या इंटीजर्स है। तो x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि इक्वल्स टू बोला तो माइनस फाइव को लेंगे, माइनस फाइव से बड़ा कौन है, माइनस फाइव से बड़ा है -4, ठीक है, तो -3.5 को तो ले नहीं सकते क्योंकि वो इंटीजर है नहीं, तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट है वो है -5 और -4। तो हम सिर्फ -5 में और -4 में इस तरह से सर्कल कर देंगे और इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर पाए नंबर लाइन पे। फिफ्थ नंबर में जो क्वेश्चन है उसी तरह हम इसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 2x - 5 < 5x + 4 को पहले लिखें, सेकेंड पार्ट में 5x + 4 < 11। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो जो x का पार्ट है उसे एक तरफ कर लेते हैं, इसे 5x को लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो हो गया 2x - 5x < -5 को राइट साइड में भेजते हैं, तो हो गया 4 + 5, यानी -3x < 9, यानी -x < 3 और x > -3। ठीक उसी तरह 5x < 11 - 4, यानी 5x < 7 और x < 7/5, यानी हो गया हम बोल सकते हैं x < 1.4। अब यहाँ बताया है क्या कि x जो है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो -3 से बड़ा, तो यहाँ बता रहा है कि x > -3 यहाँ पर, और क्या बताया कि < 1.4, तो -1.4 से कम होगा, तो 1.4 कहाँ है, और 1.4 हम बोलते हैं अगर हम इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ है ये 1.5 हो गया, और ठीक इससे पहले ये जो पार्ट है ये हो गया 1.4। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए और इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बोला है < 1.4, इसीलिए हम ऊपर में क्या करेंगे, सिर्फ प्लेन एक सर्कल बनाएंगे। और क्या बताया, > -3, तो -3 के ऊपर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, और क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है यानी -3 को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस सर्कल को सेट करेंगे और सिंपली हम इसे ज्वाइन कर देंगे। मतलब -3 को इंक्लूड करते हुए और 1.4 को एक्सक्लूड करते हुए इसके बीच में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे ही क्या है, एक्स का वैल्यू है। अगर आज क्लास वाकई आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।